मोहम्मद अली जिसके नाम से हर बॉक्सर कांपता था। जानते हो मोहम्मद अली की सुबह कैसी शुरू होती थी? लगभग 10 किलोमीटर दौड़ से। जी हाँ दोस्तों, वो लगभग 10 किलोमीटर वो हर रोज दौड़ लेते थे और पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ अपने रिंग फाइट की तैयारी में देते थे। मोहम्मद अली के कोच बताते हैं कि वो कोई भी प्रैक्टिस सेशन को मिस नहीं किया करते थे, चाहे वो बुखार से तप रहे हो या मन से हार रहे हो। हमेशा वो अपने पैशन के लिए अपने सब कुछ कुर्बान कर देते थे, तभी तो वो बॉक्सिंग दुनिया का बेताज बादशाह बने बैठे हैं। लेकिन दोस्तों, इस कामयाबी के पीछे की वजह क्या है, क्या आपको पता है, क्या आप जानते हो? मिल्खा सिंह दिन में ड्यूटी और रात में सड़कों पे दौड़ लगाया करते थे। हर रात वो अपने पूरे शहर का चक्कर काटा करते थे। इसी वजह से कई बार लोगों ने उनको गालियां भी दी, क्योंकि रात को उन लोगों को डिस्टरबेंस होता था। मगर मिल्खा सिंह को क्या ही फर्क पड़ना था, आखिर उन्हें अब फ्लाइंग सिख जो कहलाना था, पर इसी अनुशासन ने उन्हें भारत का सबसे तेज धावक बना दिया, जिसने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के सबसे फास्टेस्ट रन को हराकर हिंदुस्तान का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। और इसके अलावा भी ना जाने ऐसे कई कीर्तिमान उन्होंने अपने और भारत के नाम कर दिया। जरा बताना मेरे दोस्त, इनके सफलता का कारण क्या था? विराट कोहली, आज भी विराट कोहली सुबह 4 बजे उठते हैं और 3 घंटे कड़ी मेहनत को अंजाम देते हैं और फिर अपने प्रैक्टिस के लिए घर से रवाना होते हैं। ग्राउंड पर सबसे पहले पहुंचते हैं और ग्राउंड से बाहर सबसे आखिर में निकलते हैं। आज दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी बनने के बाद और लाखों करोड़ों दिलों पे राज करने वाला ये बंदा, इस शख्स को क्या ही जरूरत है आज भी आग की भट्टी में खुद को जलाने की, खुद को तकलीफ देने की। विराट आज भी अपना 100% देते हैं। क्या वजह है इसकी, क्या आप जानते हो मेरे दोस्त? ये वजह है, ये खूबी है अनुशासन। एक ऐसा अनुशासन जो उन्हें कभी रुकने नहीं देता, कभी गिरने नहीं देता और हमेशा बुलंदियों को शिखर पर रखता है। एक ऐसा अनुशासन जिसके वजह से उनका वो पोजीशन बरकरार है। हर सफलता के पीछे अनुशासन और सेल्फ डिसिप्लिन का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसीलिए तो हर रोज वो बड़े बड़े शख्सियत अपना डेली रूटीन फॉलो करते हैं। मेरे दोस्त, अगर जीवन में सफल होना चाहते हो तो अनुशासन की रूटीन फॉलो करना सांस लेने जितना इम्पोर्टेंट समझ लेना, क्योंकि अनुशासन ना ही हमें नंबर वन बनाता है बल्कि नंबर वन बनाए रखता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।